बढ़ेंगे आगे। बढ़ती ठंड को लेकर सीएम के निर्देश सामने आए हैं, जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध हो रैन बसेरा के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जिलाधिकारी निरीक्षण करें, निराश्रितों और जरूरतमंदों को कंबल दिया जाए और समय से खरीद के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आप समय से कंबल खरीदें तो कंबल खरीद में स्थानीय बुनकरों और उत्पादों को दे वरीयता, गुणवत्ता से ना हो समझौता। इसके साथ ही प्रदेश में तेजी से बढ़ते ठंड के मौसम के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी जिलाधिकारी निराश्रित बुजुर्गों और यात्रियों सहित आम जनजीवन की सुरक्षा और सहायता के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। रविवार को आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए प्रमुख दिशा निर्देश। तो बढ़ती ठंड को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये दिशा निर्देश दिए हैं। तो निराश्रितों को, जरूरतमंदों को कंबल दिया जाए, तो सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि समय रहते ये पूरी कंबल की खरीद भी हो और जो खरीद है कंबल की वो उसकी गुणवत्ता बेहतर हो, किसी भी तरह का कोई समझौता ना किया जाए और समय पर उसकी खरीद की जाए ताकि लोगों तक इसे समय तक पहुंचाया जा सके। तो रैन बसेरों की भी व्यवस्था दुरुस्त की जाए। अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहां रैन बसेरे में कई सारी अनियमितताएं पाई जाती हैं, अव्यवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसको देखते हुए पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं कि रैन बसेरे को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर ली जाए ताकि जिस तरह आगे आने वाले वक्त में ठंड धीरे धीरे जिस तरह बढ़ रही है उसमें जो जरूरतमंद लोग हैं, जो निराश्रित लोग हैं जिनका घर नहीं है, कम से कम वो रैन बसेरे में जाकर रुक सके। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, देखिए जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ रही है और उसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करके तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं, चाहे वो कंबल वितरण की बात हो या फिर निराश्रित और जरूरतमंदों को रैन बसेरे में रहने की बात हो, उसकी व्यवस्था ठीक करने की बात हो, हर एक पहलू पर जिक्र किया है और तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पारा दिन पर दिन गिर रहा है उसको लेकर के चिंता जाहिर करते हुए तमाम जो प्रदेश के जिले के जिलाधिकारी उनको साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो गरीबों के लिए व्यवस्थाएं सरकार की ओर से दी जा रही हैं, चाहे वो कंबल वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे वो और रैन बसेरों की व्यवस्था हो, इनको सुधारा जाए, तत्काल प्रभाव से इनको लागू किया जाए। अक्सर देखने को मिलता है कि जो रैन बसेरे हैं वो सिर्फ कागजों पर ज्यादा चलते हैं लेकिन जमीन पर उनकी स्थिति कुछ अलग होती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी इस तरीके सख्त हिदायत दी थी और कई आज जो रैन बसेरे उनका निरीक्षण खुद किया था। हालांकि लखनऊ में संभव हो सकता है क्योंकि लखनऊ में मुख्यमंत्री खुद रहते हैं और कभी भी चाहेंगे वो तो रैन बसेरों में निरीक्षण करने पहुंच जाते। पिछली बार वो जीएमओ गए थे, वहां पर बाकायदा जो लोग रहते हैं वहां पर उनसे बातचीत की थी, उनसे जायजा लिया था कि आखिर जो सरकार की ओर से व्यवस्थाएं दी जा रही वो उन तक पहुंच भी रही या नहीं रही है। इस बार भी ऐसा ही कुछ मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है तमाम जो जिलाधिकारी हैं, तमाम जो नगर निगम है उनको, साफ तौर पर कि जो व्यवस्थाएं हैं रैन बसेरों की उनको जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए और व्यवस्थाएं सिर्फ नाम मात्र को ना हो, जमीन पर उनका असर दिखाया जाए। जो जमीन मजदूर हैं, जो सड़कों पर सोने वाले लोग हैं उनको ले जाकर के वहां पर सुलाया जाए, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता तमाम बार कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके क्षेत्र में कहां पर रैन बसेरा, तो ऐसे में आम जनता जो गरीब तबका है उसको समस्या होती। तो ऐसे में जो पिछली बार देखा गया था कि निर्देश के बाद में पुलिस भी लगाई गई थी इस काम में, पुलिस को जिम्मेदारी दी गई थी जो लोग सड़कों पर सो रहे हैं उनको वहां से ले जाकर के रैन बसेरों तक छोड़ा जाए, इस बार भी ऐसी व्यवस्था लागू की जाएगी। साथ मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि आज जो कंबल वितरण का कार्यक्रम होता है, कंबल वितरण का होता है उसको उसमें तेजी लाई जाए और जल्द से जल्द कमरे उसकी चाहे वो खरीदारी हो चाहे वितरण का काम हो उसको शुरू कर दिया जाए। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कंबल वितरण के लिए बजट पास होता है लेकिन वो इतना लेट हो जाता है कि सर्दियां चली जाती। सिर्फ लखनऊ की बात करें, लखनऊ में नगर निगम है लेकिन अधिकार
अधिकारी कहीं ना कहीं अभी तक सुस्त पड़े हुए थे। कल जब देर रात मुख्यमंत्री का निर्देश आया उसके बाद सुबुहार जारी, हालांकि कागजों पर रन बसेरे की व्यवस्थाएं बेहतर है लेकिन जमीन पर कुछ अलग है, क्योंकि सरकारी बजट इसमें अच्छा खासा खर्च होता है लेकिन इन सबके बावजूद भी व्यवस्थाएं नहीं। साथ ही साथ लकड़ी गिराने का जो काम होता है, आग जलाने का चौराहों पर काम होता है अलाव का, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि लखनऊ राजधानी है, जब यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं ठीक है तो बाकी प्रदेश के जिलों में व्यवस्थाएं क्या ठीक होंगी। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कितना कुछ सुधरते हैं अधिकारी, कितना कुछ काम बेहतर करते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जी। बिल्कुल अश्विनी, और ये तस्वीरें भी देखने वाली होगी, क्योंकि अक्सर कई सारी खामियां पाई जाती हैं इन व्यवस्थाओं को लेकर, तमाम शिकायतें भी आती हैं। हालांकि आप जब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसको लेकर संज्ञान ले रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी कि जमीनी हकीकत क्या कुछ बयां करता है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।